अस्सलाम वालेकुम राणा अहमद पेश भी आप सबका वेलकम है गाइस। हमारे इलाके के सबसे बड़े हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कामरान सियानी साहब जो आपको शब बरात की फजीलत के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं ज़रूर बताऊँगा, आज की रात बहुत बाबरकत है और जो भाई साहब ने बात की है सबसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ ऐसी बात नहीं है। और आज की रात की फजीलत इतनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शबे बारात की रात को 15 शबान अल मुअज़्ज़म को अपनी शायान शान सबसे निचले आसमान पर तशरीफ़ लेकर आता है और पुकार पुकार कर कहता है, अल्लाह है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए, है कोई औलाद मांगने वाला उसे औलाद दी जाए, है कोई रिज्क मांगने वाला उसे रिज्क दिया जाए। ये आवाज़ जो है ये तुलुए आफ्ताब तक जारी रहती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस रात दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में, और दुरूद भी वो जिसमें आल का ज़िक्र हो। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबा।